Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran so no man, I still go. Go, 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 उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी ये मौसम की तरह मेरा आज मूड भी बहुत ही खुशगवार है तो जी यहाँ पर आप मौसम देखिए कितना अच्छा है हल्की हल्की बारिश हो रही थी यहाँ पर अभी स्टार्ट हुई थी लेकिन इसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई थी काले बादल थे और जी इतना अच्छा और खुशगवार मौसम हो और पकौड़े ना बने ये कैसे हो सकता है तो जी यहाँ पर मैं बना रही थी पकौड़े पकौड़ों की तैयारी कर रही थी तो इसी बारिश में मटेरियल मैंने मंगवाया था मेरे पास चीज़ें भी कम थी तो लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और हमने पकोड़े बनाए और खाए इन्जॉय किया जी यहाँ पर मैंने प्याज़ आलू और पालक ले ली उसमें नमक मिर्च और एक पिंच हल्दी और गरम मसाला ऐड कर लिया और फ़ोर टू तो फाइव टेबल स्पून मैंने इसमें सूखी मेथी के ऐड कर दिए बहुत अच्छी खुशबू आती है ये लाजमी ऐड किया करें खुशक धनिया है जी इसको हाथों से मसल मसल के डाल लेंगे और मेरे हाथ यहाँ पे ब्रेड हो गए थे इनको मसलते हुए और अब मैं इस मटेरियल को स्पाइसीज़ के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ये देखें जी मैंने मिक्स कर लिया मैंने अभी बेसन नहीं ऐड किया आप प्लीज़ ग्लव्स पहन लीजिएगा मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे नेल्स कट किए हुए थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा लाल मिर्च चुभी थी मेरे हाथों पर तो जी यहाँ पर मैंने ये सालन डालने वाला चम्मच जो होता है ये मैंने थ्री भर भर के मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और ये देखें जी मैं इसको पालक के साथ मसल के अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लूँगी इसमें मैंने पानी कोई नहीं ऐड किया पानी मैं आपको एंड पे बताऊँगी मैं कितना ऐड करती हूँ और कब ऐड करती हूँ तो जी ये टोटल वैसे छः चम्मच थे ये मैंने छः के छः ही इसमें बेसन के डाल दिए थे तो इसके बाद अब मैं इसको अच्छी तरह मसल लूँगी ये देखें ये एक बॉल शेप में बन रहा है सारा मिक्सचर जो है ना वो इकट्ठा हो गया है लेकिन ये मैंने एक चम्मच सिर्फ पानी का इसमें ऐड किया था आपने ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना आप जितना कम पानी ऐड करेंगे इसमें उतने ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेंगे ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ जी इसमें ग्रीन चिली मैं एंड पे ऐड करती हूँ ताकि ये हमें मेरे हाथों को ज़्यादा चुभ रही थी तो इसलिए मैंने एंड पे ऐड की कि मैं इसको जस्ट हल्का सा एक मिक्स दे दूँगी एंड पे तो यहाँ पर जी मैंने इसमें एंड पे अजवाइन भी डाली थी हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड की थी आपने वो मस्ट ऐड करनी है उससे एक तो खुशबू और जायका बहुत अच्छा होता है एंड सेकेंडली वो हमारे स्टोमिक के लिए बहुत अच्छी होती है हमें ये ज़्यादा तंग नहीं करेंगे पकौड़े खाने के बाद तो जी यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल ले लिया था उससे तो मैंने गर्म करके तो उसमें मैं ये फ्राई कर रही हूँ तो जी ये एक बैच बन गया इसका और बहुत ही मज़े के बने थे और मुझे अब फिर से ये खाने को दिल कर रहा है लेकिन अब ये नहीं है तो बहुत ही टेस्टी थे तो यहाँ पर जी मैं इसमें दोबारा सेकंड बैच भी डाल लूँगी और ये सारे रेडी कर लिए थे और बहुत ही मज़े के थे इसके साथ धनिया पुदीने की चटनी का रायता है और मायो और केचप की डिप है जो कि मैंने आपको पहले भी बताई हुई है बहुत मज़े की लगती है आप ये एक बाजार वाला टेस्ट आता है जब हम इसके साथ खाते हैं बहुत ही मज़े का होता है तो जो यहाँ पर डिनर की तैयारी कर रही हूँ ये मैंने ले लिए हैं दस से बारह लहसुन लहसन जो है उसमें पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लूँगी पतला सा ही पेस्ट बनाना है आपने ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं चाहिए हमें तो जी यहाँ पे ये मैं इसमें बाउल में ये सारा लहसन का पानी जो है वो पेस्ट बनाया वो ऐड कर दिया मैंने इसमें सिरका ऐड कर दूँगी और जी मैं बना के रही हूँ मैं आज बना रही हूँ कलेजी है और ये सारी मिक्स चीज़ें हैं कलेजी फे, फे दिल और गुर्दे ये मतलब बकरे के सारे जो अज़ा हैं वो सारे खसूस अज़ा वो इसमें ऐड कर देंगे हम लोग तो ये मैं सारा सिरके में और लहसुन के पानी में और इन चीज़ों को मैं डिप करके रख दूँगी ये वैसे एक दफ़ा मैंने पानी से निकाली हुई है वॉश की हुई हैं चीज़ें तो जी यहाँ पर ये सारी मैं अच्छी तरह इसको ये लगा दूँगी ये मटेरियल जो है पेस्ट लहसन का और सिरके का तो ये मैं इसमें लगा के इसको अच्छी तरह रख देंगे हम लोग बीस मिनट के लिए लाजमी रखना है ताकि इसमें से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए इससे इसकी स्मेल बहुत अच्छी तरह ख़त्म हो जाती है और इसमें आपने नमक बिल्कुल नहीं यूज़ करना नमक हमने इसका खाना जब इसको पकाना है तब भी हमने इसको एंड पे ही यूज़ करना है तो आपने इस मटेरियल में भी नमक नहीं डालना जस्ट लहसन और सिरका हो तो जी यहाँ पे मैं इसको 20 मिनट्स के लिए रख लूँगी तो ये देखें जी ट्वेंटी मिनट्स के बाद इसका कलर देखें आप पानी का कितना चेंज हो गया ये सारा ब्लड निकाल देता है तो जी अब मैं इसको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी वॉश हमने खुले पानी से करना है आप जितना मतलब अच्छी तरह इसमें से लेसन का जो है वो आ, स्मेल सी वो भी निकल जाए इसकी अपनी स्मेल भी निकल जाए सिरका जो है उसका भी टेस्ट निकल जाए ताकि ये खट्टा ना रहे और जी अब मैं आपको दिखाती हूँ ये लंग्स हैं लंग्स के अंदर ये छोटी छोटी बारीक सी वेंस होती हैं ऐसे ब्लड की तो ये अच्छी तरह आपने ज़रूर निकालनी है खुला पानी ले लिया है उसको गर्म कर लिया है अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तब हमने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है और इसे हमने फोर मिनट्स के लिए इसी पानी में रहने देना है आँच भी नीचे चल रही है लेकिन इसे बॉयल नहीं करना जस्ट इसमें ऐड कर देनी है तो ये देखें जी इसका इस पानी का कलर भी कितना चेंज हो गया है इसमें से सारा ब्लड निकल जाता है इसका थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे ताकि इसका सारा पानी स्ट्रेन हो जाए इसमें से अब आ जाए इसकी मैरिनेशन की तरफ तो यहाँ पर मैंने आधा किलो दही ले लिया दही में ही इसकी मैरिनेशन बनाती हूँ मैं तो इसमें सिर्फ़ मैंने मिर्च डाली है हल्दी डाली है और कुटा भुना ज़ीरा डाल दिया जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तब हमने इसके ऊपर मैरिनेशन डाल के इसको मिक्स करके अगेन ट्वेंटी मिनट्स के लिए रख देना है ताकि इसमें अच्छी तरह ये सारा कुछ जज्ब हो जाए इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून कौरमा मसाला भी डाला था तो वो मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगी लेकिन मैं बाद में दिखा देती हूँ आपको तो ये जी मैंने सरसों का ऑयल ले लिया उसमें मैंने फ़ोर अनियंस जो हैं वो डाल लिए अनियन्स आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने नॉर्मल से और ये खड़े मसालों में एक दारचीनी का टुकड़ा दो बड़ी इलायची और चार से पाँच लौंग थे वो मैंने डाल दिए उसकी जब अच्छी सी खुशबू आ जाए तो आपने वन टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है वन टोमेटो का पेस्ट डाल देना है आपने इसे आपने अच्छी तरह भून लेना है तो आपने जी ये इसमें डाल देना है सारा कलेजी वगैरह जिसको हमने मैरिनेशन करके रखा हुआ था तो ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कोरमा मसाला भी ऐड किया है अब आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पे भून लेना है फ्राई कर लेना है इसको अच्छी तरह इसी घी में जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तब आपने इसमें ये हाफ़ प्याला जो है मैंने पानी का इसमें डाला था और इसके बाद आपने इसको टेन मिनट्स का प्रेशर दे देना है टेन मिनट्स के बाद ये देखें जी इसका सारा पानी भी ख़त्म हो गया और जी ये इसने ऑयल भी सेपरेट कर दिया है अब हम इस टाइम पर इसमें डालेंगे नमक क्योंकि हमने इसको भून भी लिया हुआ है ऑयल में अच्छी तरह और ये बिल्कुल रेडी है अब इसमें एंड पे सॉल्ट ऐड किया है मैंने काली मिर्च हाफ टी स्पून मैंने ऐड की है क्योंकि मैंने इसमें रेड भी डाली है थोड़ा सा कौरमा मसाला भी डाला है ब्लैक पेपर भी डाली है और ग्रीन चिली भी डालूंगी तो अपने हिसाब से डालनी है और ये जो गर्म मसाला है ये मैं एंड पे डाल दूंगी और स्पाइस मिक्स जो मैंने बनाया हुआ है ये वो है इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है वो डाल दूंगी और जी ग्रीन चिली ऐड कर दी है और इसमें से ज़रा सी स्मेल नहीं आ रही थी बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी और ये आ, मसाले वाली कलेजी जो है ना वो रेडी है तो यहाँ पर जी इसको बस हम अच्छी तरह मिक्स करके फाइव मिनट्स के लिए कवर करके दम दे देंगे तो ये हमारी बिल्कुल रेडी है तो जी इस पॉइंट पे मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपने इसकी ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा करनी है तो आप इसमें हाफ़ कप और वन कप अपनी मर्ज़ी से जितना आप ग्रेवी चाहते हैं उतना पानी ऐड करके इसको आप दम पे इस टाइम पे आप इसमें पानी ऐड करके दम दे सकते हैं लेकिन ये मसाले वाली ही अच्छी लगती है तो जी इसका दही के साथ ये मसाला बिल्कुल रेडी है मुझे इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी पानी डालने की तो अब मैं इसको इसमें लास्ट इन्ग्रीडियंट जो इसका है वो रह गया है आ, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैं इसमें एंड पे सूखी मेथी ऐड करती हूँ ये लाजमी ऐड करती हूँ क्योंकि एक तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है एंड सेकेंडली अगर आपके एक टिप है आपके लिए अगर आपके किसी भी खाने में से ऑयल सेपरेट ना हो रहा हो अक्सर इशू होता है ऑयल सेपरेट नहीं होता आप उसमें अगर सूखी मेथी थोड़ी सी भी ऐड कर दें और उसको दम दे दें तो बहुत अच्छा ऑयल सेपरेट हो जाता है सूखी मेथी से तो जी ये हमारा डिनर था मैंने इसके साथ हल्का सादा चपातियाँ बना ली थी और ये बहुत मज़े का था आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफ़ि